तो भाइयों फाइनली हम बाबा केदारनाथ के दर पे आ गए हैं। पहुंच तो हम कल शाम को ही गए थे, बट दर्शन हम आज सुबह, अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, और आज हमारे दर्शन है। हमारे दो भाई लाइन में लगे हुए हैं, मैं भी जाके लाइन को ज्वाइन करूंगा। अभी मैं पहले ही आगे आ गया कि यहाँ एक बार आपको दिखा देता हूँ मंदिर का भाई नज़ारा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं फ़र्स्ट टाइम केदारनाथ आया हूँ और आपके भी दर्शन करा रहा हूँ और ख़ुद भी साक्षात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। तो भाइयों भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है और ये केदारेश्वर महादेव का ये 5वां ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पे केदारनाथ में स्थापित है। तो भाइयों केदारनाथ धाम के जीवन में एक बार केवल दर्शन करने से आप मृत्यु और जीवन के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हो, ऐसा कहा जाता है। तो ज़रूर ही ज़रूर एक बार लाइफ में यहाँ दर्शन करने आना चाहिए आपको। तो भाइयों बिल्कुल मंदिर के सामने यहाँ नंदी महाराज जी विराजमान हैं और बिल्कुल अपने महादेव जी को बिल्कुल उनके सामने से देख रहे हैं। और जब यहाँ पे वो आपदा आई थी तब भी ना ही मंदिर को और ना ही नंदी जी को कुछ हुआ था। और वो जो पीछे एक, तो भाइयों आपको केदारनाथ धाम की अब कहानी बताते हैं। यहाँ की कहानी क्या थी, तो ये सत्ययुग की बात है जब भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायणा ने यहाँ पे तपस्या की थी भगवान शिव की, और भगवान शिव ने साक्षात इसी जगह पे दर्शन दिए थे उनको और बोला था कि बताओ आपको क्या वरदान चाहिए। तब भगवान नर और नारायणा जी ने बोला था कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, बट हाँ आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हो जाइए हमेशा हमेशा के लिए। तो भाइयों चलते अपनी लाइन की तरफ, भाई का कॉल आया अभी कि हाँ दर्शन होने वाले हैं, हम बिल्कुल आगे पहुंचने वाले हैं लाइन में, तो जाना होगा। तो भाइयों फाइनली हम लाइन में आ गए हैं, बस अब हमारे दर्शन होने में थोड़ा ही टाइम काफ़ी है। भोले बाबा के दर्शन, इतनी बड़ी लाइन है अभी, वहाँ से जाके राइट और फिर बाबा के दर्शन। ओम नमः शिवाय। तो भाइयों फाइनली हमारे दर्शन होने वाले हैं शंकर भगवान के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लग रहा था सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बैटरी कहाँ है? 13 प्रो में ना है, 12 में तभी तो बन रही है ये, बस एंट्री तक। तो भाई हमने दर्शन कर लिया अभी, ये घर के लिए गंगा जल, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, पुलिस वालों ने तभी बंद करवा दिया था। ओ भोलेनाथ बाबा आपकी ही जय हो। ओम नमः शिवाय प्रभु, ओम नमः शिवाय प्रभु, जय शिव शंकर भगवान की जय। ओ भोले बाबा सब पे कृपा करना प्रभु। तो भाइयों इस वाले दरवाजे से हम बाहर आए अभी दर्शन करके बाबा केदारनाथ के। और हाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ, हम सुबह मेरे भाई जो दो भाई थे वो 4 बजे लाइन में लगे थे और हमारा नंबर फिर भी ऑलमोस्ट 3 घंटे में आया था। यहाँ जब हम पहुँचे तो 3 घंटे में पहुँचे थे सुबह 4 बजे लगने के बावजूद भी। तो भाई उनको भी धन्यवाद, मैं 1-2 घंटे यहाँ घूमता रहा, वो भाई लाइन में रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शन भी हो गए आराम से, जय भोलेनाथ बाबा, हर हर महादेव। तो भाई अब देखते हैं हम आदि शंकराचार्य जो पीछे समाधि बनी हुई है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। उससे पहले आपको वो जो पीछे भीमशिला
जो पत्थर प्रोटेक्शन के रूप में मंदिर के पीछे आके 2013 की आपदा में आके लग गया था प्रोटेक्शन और पानी को दोनों तरफ बांट दिया था, वो पत्थर दिखाते हैं पहले आपको, वो भीमशिला जिसका नाम भीमशिला रख दिया है उसको दिखाते हैं, फिर वहीं से आदि शंकराचार्य जी की समाधि पे चलेंगे। चलो दिखाते चलते हैं। हम ये केदारनाथ के राइट साइड में है और हम जा रहे हैं भीमशिला की तरफ। ये देखिए भीमशिला है, चलते हैं इनके पास चलते हैं। ये आपका भीमशिला की तरफ रास्ता, देखिए भाइयों ये भीमशिला है। किसी ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी जब वो आपदा आई थी 2013 में, इसी भीमशिला की वजह से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रह पाया था। ये बिल्कुल ठीक मंदिर के बैक साइड आके रुक गई थी। अरे ये चमत्कार, ये जो मंदिर के पास आके इतनी बड़ी शिला रुकी है, ये भोले बाबा का चमत्कार ही है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मंदिर के बैक साइड में है। देखिए भैया, तो अभी हमारे नवीन भाई ने आपको बताया था ये भीमशिला के बारे में, तो आपने देख ली भीमशिला जहाँ आके रुकी थी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच। ये भी भाई एक चमत्कार से कम नहीं है। हाँ चमत्कार तो है, क्योंकि यहीं आके रुकना था इसको, किसी ने मतलब इंसान ने ला के नहीं रखा ये, तो आप जान ही सकते हो कि हाँ भाई उस टाइम पर 2013 में कोई इंसान या कोई हेलीकॉप्टर से तो ला के रखा नहीं था, खुद में खुद आई थी। तो भाई ये तो रियलिटी है कि हाँ भगवान शिव शंकर भगवान की कृपा है यहाँ पे, इस जगह पे है। तो भाइयों ये श्री आदि शंकराचार्य जी समाधि है यहाँ पे, इसका मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था अभी एक आध साल में। अभी दिखाते हैं आपको दिखाते हैं आपको उस तरफ घुमा के। हाँ इधर नीचे उतर गया शायद आगे से ऐसा घूम घूम के, ये नीचे जाने का है। तत्पुरुषाय विद्रुमाये महादेवाय नवरत्र प्रचोदाय ओम नमः शिवाय 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 आदि शंकराचार्य जी श्रीहरि। हो यहीं पे उन्होंने समाधि ली थी। ए प्रभु कृपा करना प्रभु। तो भाइयो श्री शंकराचार्य जी के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं वापस मंदिर की तरफ। ओम नमः शिवाय 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 हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर भोले जय शिव शंकर जय श्री शंकराचार्य जी जय श्री शंकराचार्य जी। तो भाई एक रील के लिए शूट लेते हैं, वो देखो वहां बैठे हैं हमारे महादेव। तो भाइयों श्री आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करके वापस हम आ चुके हैं मंदिर के पास, और अब हमें नीचे के ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी, हमें बाबा से विदाई लेनी पड़ेगी और यहाँ से निकलना पड़ेगा।
क्योंकि हमें आगे बद्रीनाथ भी जाना है और फिर बद्रीनाथ से शायद बीच में तुंगनाथ भी जाए हम, तो अभी हमारा काफ़ी बड़ा प्लान है। तो भाइयों मंदिर के हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब है जाने का टाइम। चलो भाइयों अब टाइम आ गया बाबा के दर से विदा लेने का और जाना है अभी 16-17 किलोमीटर नीचे पैदल चल के वापस। बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, मन बिल्कुल चंचल हो गया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हाँ भाई कुछ लग रहा है अच्छा, वो लग रहा है भाई यहाँ के। जय भोले बाबा, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ए बाबा सब पे सुख शांति समृद्धि रखना अपनी, हर हर महादेव, प्रभु सब पे कृपा दृष्टि रखना। भाई हमारा आइडिया देखो, सुबह 3:30 बजे लाइन में लगने का, और अगर अभी हम अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी अगर अभी लगते तो ये देखो आप। वो ठीक किया हमने। तो भाइयों घर के लिए ले रहे हैं प्रसाद बाबा केदारनाथ का, जो हमने चढ़ाया था उसमें तो कम ही रहता है, तो घर के लिए और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और कुछ भी ले रहे हैं, गलत चीज ना अपने ना ना प्रसाद है मेरे, थम खाओगे बारी बारी नीचे तक, हाँ ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। भाई लाइन का अब कोई अंत नहीं है, सबसे बेस्ट है केदारनाथ आओ तो सुबह 3 या 4 बजे अपने दर्शन के लिए लग जाओ, 1 घंटे में नंबर आ जाएगा, सबसे बेस्ट। ओम नमः शिवाय। तो भाई फाइनली हम कर रहे हैं रूम खाली और अब करते हैं नीचे की तरफ 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग सोनप्रयाग के लिए। अब बाबा को करते हैं बाय। चलो भाइयों अपनी करते हैं ट्रैकिंग शुरू। हे महादेव बाबा कृपा करना, अलविदा बाबा, जय हो बाबा की, जय महादेव भगवान की जय। चलते अब भाई हो नीचे की तरफ, अब फटाफट उतरना है और तो उसके बाद हमें गंगोत्री भी जाना है, तो करते स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लाइन की बहुत मेहनत है भाई यहाँ लाइन में लगने की, दर्शन की लाइन देख ली, ये देखो कहाँ तक जा रही है, ये मंदिर से स्टार्ट है, अब मंदिर यहाँ से अभी 1 किलोमीटर तो वैसे ही दूर है और प्लस में ये अभी इसका एंड भी दिखाऊंगा आपको, अभी तो ये बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक। ये देखो नज़ारा, ये रहा वो नज़ारा, और ये अभी तो लाइन में आपको एंड दिखाता हूँ इसका, चलते रहो। 1 किलोमीटर तो दूर हो गया है ये मंदिर से, उससे भी आगे अभी। भाई जो बैंड लगता है वो यहाँ लगता है, वो केवल सुबह के टाइम लगता है, रात को आप दर्शन कर सकते हो और सुबह 3 या 4 बजे भी कर सकते हो, ये वाले बैंड है वो। लाइन का कोई अंत है नहीं अभी, ये लाइन दिख रही है अभी भी कंटिन्यू है ये लाइन वहाँ के तक, देख लो अभी तो कहाँ तक जा रही होगी, ये देखो ओरी वहाँ तक बहुत आगे तक, अभी तो एंड नहीं है, अभी तो इसका दिखाता हूँ भाई आपको कहाँ तक है। भाई ये मेडिकल सर्विसेज केदारनाथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको भी नीड हो वो अपना फ्री में चेकअप करा सकता है यहाँ पे। ये उतरते हुए तो 20 मिनट लगी 2 किलोमीटर कवर करने में, बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है। बेस कैंप पहुँच गए हम केदारनाथ मंदिर से, तो भाई वो शॉर्टकट मारते मारते नीचे जा रहे हैं हम, काफ़ी बड़े बड़े शॉर्टकट्स ले रहे हैं हाँ, बट हाँ शॉर्टकट्स में ये है नीचे की तरफ उतरते हुए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हाँ चढ़ते हुए आप
जरूर एक बार सोच लेना कि हाँ शॉर्टकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत खड़े शॉर्टकट होते हैं, तो हम तो नीचे उतर रहे हैं तो काफ़ी इजी है, तो इसलिए हमने ले लिए। और हमसे बड़े बड़े 40-50 साल वाले शॉर्टकट ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो क्या है, हम अभी 23-24 साल के भाई, तो ज़रूरी लेने चाहिए। बट हाँ, सफ़र भी कम हो जाता है, जहाँ 2 किलोमीटर चलना है वहाँ 1 चलना पड़ेगा शॉर्टकट से, तो ठीक है हमारे लिए तो ठीक ही है ये चीज़। और दिखाते हैं आपको चलते चलते। तो भाई आराम करने के लिए रुके थे, ये देखिए बहती हुई नदी। मेरा अपना ट्रैक, इस तरफ को जाना है। तो भाई हम लंचौली आ गए, 5.5 किलोमीटर, 1 घंटे 20 मिनट में। बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत फास्ट, 3 घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे शायद। हर हर भोले। नीचे उतरते उतरते हम पहुंच गए अब रामबाड़ा, यहाँ से रह गया 6-7 किलोमीटर गोरीकुंड। उतरने में इतनी दिक्कत नहीं है, उतर तो फटाफट जाता है, बस चढ़ने की दिक्कत थी मेन तो। चलो भाई चलेंगे आगे की तरफ अब, और बताएंगे आपको आगे का नज़ारा। यारी नदी पानी, तो भाई अभी ट्रैक रह रहा है 4.5 किलोमीटर का, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे नीचे। और 4.5 किलोमीटर मेहनत करनी है नीचे उतरने की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भाई मोरू पानी पहुंच गए, 1.5 किलोमीटर रह गया यहाँ से गोरीकुंड, फिर हमें रिलीफ मिलेगी। ओहो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भाइयों बस पहुँचने वाले गोरीकुंड, 500 मीटर और, ये द्वार तो आ गया एंट्री का। तो भाइयों आ गए हम गोरीकुंड, ये नहाने का, स्नान करने का स्थान, उन प्रयाग जाना था। बट ये लाइन देखो टैक्सी के लिए, यहाँ भी लाइन ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। चलो भाई देखते अब जैसा भी करेंगे। ओम नमः शिवाय। भाई लाइन तो बहुत लंबी है, तो हमारा प्लान है अब पैदल जाने का सोन प्रयाग तक भी। दिल्ली 458, हरिद्वार 236, ऋषिकेश 212। तो भाई टैक्सी से हम आ गए सोन प्रयाग, और अब चलते हैं पार्किंग की तरफ और बैठेंगे अपनी गाड़ी में और आराम करेंगे। बहुत ज़्यादा पैरों ने जवाब दे दिया है, इस पुल को क्रॉस करके अब जाना है हमें उस तरफ।